मंत्री संजय झा द्वारा एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम कहने पर एआईएमआईएम नेता नजरे आलम ने जताई कड़ी आपत्ति। कहा, संजय झा खुद 17 साल भाजपा की बी टीम रहकर दूसरे पार्टी पर उठा रहे हैं उंगली। दरभंगा बिहार सरकार के मंत्री संजय झा मिथिलांचल दौरे के दौरान एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहकर महागठबंधन के वोट कटुआ कहा, जिस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम नेता नजरे आलम ने कहा कि एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहने से पहले संजय झा को खुद सोचना चाहिए कि बिहार में 17 साल तक खुद उनकी पार्टी बीजेपी के साथ रही, ऐसे में इनके जुबान से यह बात अशोभनीय है, दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गृहबान में झांक लेना चाहिए। वही नजरे आलम ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री संजय झा मुसलमानों को एआईएमआईएम पार्टी से जोड़कर न सिर्फ बिहार की बल्कि देश के मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया है। वही उन्होंने कहा कि संजय झा एआईएमआईएम पार्टी को भाजपा का बी टीम कहते हैं, जबकि इनका खुद का राजनीतिक इतिहास बीजेपी से रहा है और आरएसएस के समर्थक है। एक कांग्रेस के माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की निर्मम हत्या कर दी गई और आज तक ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके कोई भी नेता या बिहार का शीर्ष नेतृत्व आज तक उस परिवार से नहीं मिला और न ही इस हत्या पे कोई संज्ञान लिया, जबकि बिहार में इनकी सरकार है। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि एक नेता है यहाँ पप्पू यादव, जो बिनपेंदी की राजनीति करते हैं, बिनपेंदी के लोटा गाना हम लोग हमेशा कहते हैं, ये कभी नीतीश जी की दलाली पे उतर आते हैं, कभी तेजस्वी यादव की दलाली पे उतर आते हैं, कभी जो है कांग्रेस की दलाली करते हैं और ये लिखते हैं कि जन अधिकार पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि इनको जो आपने सुरक्षा दिया है किस आधार पे, इनका चरित्र क्या रहा है बिहार में, इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा है, ऐसे लोगों को इस तरह का सुरक्षा दे करके बिहार के अमन शांति को बिगाड़ा जा रहा है। कभी ये मुसलमान पार्टी एमआईएम को गाली देते हैं, कहते हैं बी टीम है, कभी ये नीतीश कुमार पर अपशब्द बोलते हैं, कभी उसके फेवर में बोलते हैं। अभी शोभन में जो इन्होंने जा करके राजनीति किया, जबकि वहाँ रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष की हत्या हुई है, सरकार को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। आज भी पता चला उस परिवार से कि मुख्य आरोपी को प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है, तो ये भी निंदनीय है। हम तो चाहेंगे कि प्रशासन जो भी परिवार के द्वारा चिन्हित किया गया अपराधी उसकी गिरफ्तारी करे। लेकिन पप्पू यादव को हम ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति आज तक एक भी सीट बिहार में नहीं जीता हो, वो राष्ट्रीय पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे बोलता है, उसको अपनी हैसियत का अंदाजा लगाना चाहिए। और हम वैसे नेता को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की भाषा और एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पे आप शब्द बोलेंगे तो बिहार की जनता ने पहले भी आपको खदेड़ा है और जमीन आपकी है नहीं बिहार में, 24-25 में आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आप किसी क्षेत्र में जा करके आप जनता के बीच कहीं भी सभा कर पाइए। इस लायक की बात करते हैं आप? नहीं, ये चूंकि इनका खुद इतिहास आपराधिक रहा है और ये आज जन जन के नेता की बात करते हैं, तो पहले ये अपना आइडियोलॉजी जनता को बताएं कि क्या वो अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या कभी नीतीश कुमार का नेतृत्व बताते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी का। तो ऐसा बिन